उत्तर प्रदेश की अगर आप परीक्षा देने वाले हैं और कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपका जो है 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। आज मैं आपको जो है विज्ञान का महत्वपूर्ण जो है मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर सत्र 2023-24 का है। जी हाँ दोस्तों, आपको 70 पूर्णांक का जो है क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि आपका जो है खंड क में पहले जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आपका जो है टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 अंक यानी कि आपका पहला जो है बहुविकल्पी प्रश्न 20 मार्क्स का रहेगा। आपको 20 जो है दिए रहेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यानी कि आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर जो है इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रोवाइड कराए गए हैं। आपका खंड ब रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको जो है 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स। फिर प्रश्न 2 में भी आपको 2 मार्क्स 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स। फिर आपको प्रश्न 3 में भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रश्न 4 में भी आपको जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 मार्क्स 2-2 मार्क्स के। यानी कि आपका जो है 12 मार्क्स रहेगा प्रश्न 3 तक। उसके बाद चौथा प्रश्न 6 मार्क्स का और इसी तरीके से आपका 5वां प्रश्न भी 6 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपका जो है 12 12 24 जो है मार्क्स का खंड ब रहेगा। फिर उपखंड ख में आपको जो है 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 में, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न नंबर 6 में आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 में आपको 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि 6 4 10 4 14। फिर उसके बाद आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 7 में रहेगा, 14 26। और आपका जो है खंड ख जो है 20 मार्क्स का रहेगा। फिर उपखंड आपका ग आता है, ग में आपको जो है 4 मार्क्स क्वेश्चन प्रश्न उत्तर नंबर 9 में मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक चित्र भी दिया रहेगा। प्रश्न नंबर 10 में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आपका जो है प्रश्न नंबर 11 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक का उत्तर लिखना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आपका विज्ञान का पेपर रहेगा। टोटल 11 प्रश्न आएंगे। आपको जो है पहले खंड से 20 क्वेश्चन, दूसरे खंड से 24 क्वेश्चन, तीसरे खंड से 20 क्वेश्चन, फिर इसी तरीके से आपको जो है लास्ट खंड में जो है कुल मिला के 24 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल और 70 मार्क्स का एग्जाम रहता है। 70 में से 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पी रहेगा और 50 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा। तो यही था आपका कक्षा 10 का मॉडल पेपर, वो भी विज्ञान का। देख सकते हैं आप जो है ये सत्र 2023-24 है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।